friends, welcome to the second episode of Zero to Hero in English. मैं हूँ आपकी English tutor अपर्णा आचार्य and you're watching Fun English Class. तो Zero to Hero के पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि हमें इंग्लिश बोलते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. हिंदी में वर्ड्स पता होता है मेरे माइंड में, मेरे को पता होता है कि क्या होता है, पर मेरे को उसको इंग्लिश में स्पेल और मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाता. और मैंने आपको बताया कि इसका मेन रीजन ये है कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता. और हमने ये भी जाना कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एक सेंटेंस के पार्ट्स. एक सेंटेंस में होते हैं 8 पार्ट्स. इन 8 पार्ट्स की नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए. ये 8 पार्ट्स क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन. तो हम इस वीडियो में इन 8 पार्ट्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनको हम कैसे अपने सेंटेंस में यूज करते हैं. सबसे पहले आता है नाउन. नाउन मतलब कोई भी चीज, मतलब थिंग, या प्लेस मतलब जगह, या पर्सन मतलब कोई इंसान या एनिमल को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसको नाउन कहते हैं. तो नाउन का यूज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इस सेंटेंस में रिया और सॉन्ग ये दोनों ही नाउन है, क्योंकि रिया एक पर्सन का नाम है और सॉन्ग एक चीज है. तो इसलिए रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में रिया और सॉन्ग दो नाउन्स है. अब चलते हैं प्रोनाउन्स पे. प्रोनाउन मतलब कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह में यूज करते हैं. आई, यू, इट, वी, अस, दे, दोस, ये सारे प्रोनाउन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर इन स्कूल एंड दे आर प्लेइंग. इसमें हमने दे को स्टूडेंट्स की जगह में यूज किया, इसलिए दे प्रोनाउन है. हमने बोला स्टूडेंट स्कूल में है और वो लोग खेल रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट्स को दो बार यूज नहीं किया बल्कि उसकी जगह हमने दे लगाया, इसलिए दे प्रोनाउन है. अब नेक्स्ट हम चलते हैं एडजेक्टिव्स पे. एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है. मतलब द टी इज हॉट, हमने बोला चाय गर्म है. हमने टी जो एक नाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि वो गर्म है. तो द टी इज हॉट में हॉट इज द एडजेक्टिव. सिमिलरली आई हैव अ प्रिटी बैग, मैंने बोला मेरे पास एक सुंदर बैग है. मैंने बैग यानी कि नाउन को डिफाइन किया प्रिटी से, तो प्रिटी यहाँ एडजेक्टिव हो गया. नेक्स्ट इज वर्ब्स. वर्ब्स डिफाइन करते हैं एक्शंस को. मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं वो हम वर्ब से डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो एप्पल खा रही है. तो खा रही है एक एक्शन है, इसलिए ईटिंग यहाँ पे एक वर्ब हो गया. सिमिलरली ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया. तो गया यहाँ पे एक वर्ब हो गया, इसलिए वेंट यहाँ पे वर्ब है. वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, फ्यूचर टेंस में, पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में, वो हम कभी बाद में सीखेंगे. तो अब अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वर्ब एक एक्शन को डिफाइन करता है. किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको कहते हैं एडवर्ब. जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता था, वैसे ही एडवर्ब एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स सोलफुली, यहाँ पे सिंग्स एक वर्ब है क्योंकि वो एक एक्शन को डिफाइन कर रहा है, और सोलफुली उस एक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए सोलफुली हो गया एडवर्ब. तो शी सिंग्स सोलफुली में सोलफुली इज द एडवर्ब. नेक्स्ट वर्ड है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो हमें किसी चीज के पोजिशन के बारे में बताता है. मतलब कोई चीज कहाँ है, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रेपोजिशन देता है. एट, ऑन,
बिलो ओवर अमंग इन टू इन ये सारी चीजें प्रेपोजिशंस है क्योंकि ये हमें पोजिशन के बारे में बताती है. फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर ऑन द टेबल तो यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन है. नेक्स्ट है कंजंक्शन. कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं. एंड बट बिकॉज हाउएवर ये सारी चीजें कंजंक्शंस है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव एप्पल्स एंड बनानास यहाँ पे एंड जो वर्ड है वो एप्पल्स और बनानास को जोड़ती है इसलिए एंड कंजंक्शन है. कभी कभी हम किसी सेंटेंस को बोलते वक्त काफी एक्साइटेड होते हैं तो हम बोलते हैं वाओ या फिर हमें लग रही तो हम बोलते हैं आउच या फिर हमें बहुत खुशी हो रही हो तो हम बोलते हैं हुर्रे. तो ये सारे वर्ड इंटरजेक्शंस कहलाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में एक्साइटेड या एक्साइटमेंट शो करते हैं. तो वाओ हुर्रे आ आउच ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शंस है. तो क्या आपको अब समझ आया कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्क करते हैं और एक सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो अब अगर आपको हम कोई सेंटेंस देंगे तो आप इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें से बता पाएंगे. और अगर आपको इन सारी चीजों के जैसे कंजंक्शन इंटरजेक्शन प्रेपोजिशन इन सब के एग्जाम्पल्स और पता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए. और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल यानी फन इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए. ये थी सेकेंड एपिसोड जीरो टू हीरो के सीरीज में और अब हम आएंगे थर्ड एपिसोड में जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी और हम इनके यूजेस और सीखेंगे. तो इस सीरीज को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए. तब तक के लिए कीप वॉचिंग फन इंग्लिश क्लास एंड टेक केयर.